हाय गाइस, माय सेल्फ आशीष कुमार सिविल इंजीनियर। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हेलो सर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कभी कभी वाल का निर्माण जो किया जाता है वो आपका कंक्रीट ब्लॉक से किया जाता है। तो हम देखेंगे कि कंक्रीट ब्लॉक के क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। कंक्रीट ब्लॉक जो आपका होता है वो आपका सीमेंट, सेंड एवं फाइन एग्रीगेट से मिलकर बना हुआ होता है। मान लीजिए सपोज डेट आपका वाल साइज गिवेन है, वाल साइज जो आपका दिया हुआ है वो आपका है 14 फीट लेंथ है, 10 फीट जो है वो आपका ब्रेथ दिया हुआ है और थिकनेस जो इसमें यूज किया गया है वो आपका 8 इंच है। वॉल्यूम ऑफ वॉल साइज आप निकालिएगा तो ये आपका वॉल साइज हो गया। और A1 ब्लॉक का जो आपका साइज होता है वो आपका होता है 1 फीट लेंथ रहता है, 8 इंच आपका ब्रेथ रहता है और डिप जो रहता है या थिकनेस जो 8 इंच का रहता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल हेलो सर को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वेबसाइट www.civilsir.com पर विजिट कीजिए, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं कि क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट ब्लॉक कैसे निकालेंगे। तो ये आपका वॉल साइज हो गया। अब हम इसका निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉल साइज। तो आप क्या कीजिएगा, इसको जो ये तो फीट में है आपका 14 फीट है गुने 10 फीट है और ये आपका 8 इंच है, इसको हम क्या चेंज करेंगे, फीट में चेंज करेंगे। फीट में जब चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.666 फीट। इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कैलकुलेशन करने के बाद ये डाटा आपका आ जाता है 93.24 क्यूबिक फीट। ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ वॉल साइज। अब हम देखेंगे कि आपका वन कंक्रीट ब्लॉक का साइज क्या होता है। वन कंक्रीट ब्लॉक साइज तो ये जो साइज आपका होता है वो होता है 1 फीट लेंथ होता है, 8 इंच आपका ब्रेथ रहता है और थिकनेस जो रहता है वो आपका 8 इंच का होता है। अब इसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 1 फीट है और 8 इंच को आप चेंज कीजिएगा फीट में तो 0.666 × 0.666। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो डाटा है वो आपका आ जाता है 0.4443 क्यूबिक फीट। इतना आपका क्यूबिक फीट हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक विथ मोर्टार, यानी विथ मोर्टार आपका कितना होगा वॉल्यूम। तो विथ मोर्टार के केस में वन कंक्रीट ब्लॉक का क्या होता है कि जो थिकनेस है आपका, जो थिकनेस हम यूज करेंगे वो आपका 1 इंच बढ़ जाता है, यानी 1 इंच आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। टी साइड दो साइड, लेंथ साइड और ब्रेथ साइड। तो लेंथ और ब्रेथ साइड में हम क्या करेंगे, 1 इंच आपका बढ़ा देंगे। तो विथ मोर्टार जो साइज है वो आपका हो जाएगा 1 फीट 1 इंच गुने ये आपका 8 इंच है तो 9 इंच हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 8 इंच। जब आप इसको वॉल्यूम निकालिएगा तो वॉल्यूम बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1.083 × 0.75 × 0.666। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये डाटा आ जाता है 0.4514 क्यूबिक फीट। तो आप देख रहे हैं कि विथ मोर्टार वॉल्यूम आपका इतना हो गया। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। तो नंबर ऑफ कंक्रीट ब्लॉक बराबर आपका हो जाएगा नंबर ऑफ कंक्रीट ब्लॉक बराबर टोटल वॉल साइज का जो वॉल्यूम है बटे में क्या कीजिएगा, वन कंक्रीट ब्लॉक का वॉल्यूम जो विथ मोर्टार रहेगा। तो आपका वॉल साइज का वॉल्यूम है 93.24, तो ये आपका 93.24 क्यूबिक फीट हुआ। अब बटे एक कंक्रीट ब्लॉक का वॉल्यूम कितना आया है विथ मोर्टार, 0.5414, इससे डिवाइड कीजिएगा। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करने के बाद ये आपका डाटा आ जाता है 172 नंबर। यानी आप देख रहे हैं कि 14x10 का वाल है आपका और 8 इंच थिकनेस है, तो इसमें जो आपका कंक्रीट ब्लॉक लग रहा है वो आपका 172 लग रहा है, यानी 172 नंबर ऑफ ब्लॉक। अब हम इसमें देखेंगे वॉल्यूम ऑफ विथ यानी विदाउट मोर्टार, यानी हमको निकालना है कि मोर्टार का वॉल्यूम कितना आएगा, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या कीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्लॉक, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक यानी कंक्रीट ब्लॉक का टोटल नंबर का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे विदाउट मोर्टार। तो आपका टोटल 172 नंबर है, तो वॉल्यूम बराबर 172 गुने आपका टोटल विदाउट मोर्टार जो वॉल्यूम है वो कितना है, 0.4443। आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये आपका डाटा है वो आपका आता है 76.41 क्यूबिक फीट। तो हम देख रहे हैं कि विदाउट मोर्टार 172 का वॉल्यूम कितना आया, 76.41। अब हम यहाँ से इजी वे में निकाल सकते हैं कि आपका मोर्टार का वॉल्यूम कितना होगा। तो मोर्टार वॉल्यूम बराबर आपका आ जाएगा, मोर्टार वॉल्यूम बराबर आप क्या कीजिएगा, टोटल वॉल्यूम
जो है वॉल साइज का वो आपका कितना है 93.24, माइनस का कीजिएगा विदाउट मोर्टार टोटल वॉल्यूम कितना 76.41। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेशन करने के बाद ये जो आपका डाटा है वो आ जाता है 16.83 क्यूबिक फीट। ये आपका मोटार वॉल्यूम आ गया। ये किस केस में आ रहा है? ये आपका वेट केस में है, जो हम कैलकुलेशन में वॉल्यूम कैलकुलेट करते हुए आप ड्राई केस में करते हैं। तो ड्राई केस में जब आप कीजिएगा, ड्राई केस में जब आप वॉल्यूम लीजिएगा, उसके लिए आप क्या कीजिएगा, यानी 1.33 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 16.83 इंटू 1.33 क्यूबिक फीट। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये डाटा आ जाता है 22.38 क्यूबिक फीट। इस डाटा से हम यहाँ से इजी तरीका से निकाल सकते हैं कि इसमें सीमेंट की मात्रा कितना होगा, सैंड कितना होगा।